Hello everyone, welcome to the class number 18 of Introduction to MySQL. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटाबेस ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये डेटाबेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जबकि हम पढ़ रहे थे क्या TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। एवरी स्मॉल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज ट्रांजैक्शन। हम एक डेटाबेस के अंदर जो भी एक छोटा ऑपरेशन या फिर जो भी एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, ए स्मॉल यूनिट ऑफ लॉजिकल वर्क परफॉर्म्ड ऑन डेटाबेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। कोई भी छोटा सा काम, कोई भी छोटा सा ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ए डेटाबेस ट्रांजैक्शन इज एनी ऑपरेशन मेड ऑन ए डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें उसको हम ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि ए ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी डन व्हेन इट परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट। आप इंसर्ट कमांड यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, अपडेट कमांड यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, डिलीट कमांड यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सिलेक्ट कमांड यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, या फिर और कुछ कमांड्स यूज करके आप अगर कुछ भी ऑपरेशन एक डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करते हो तो उस ऑपरेशन को हम बोल सकते हैं क्या, ट्रांजेक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, हम तो ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है, ट्रांजेक्शन में दो रूल है कि अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तब जाके ट्रांजेक्शन के द्वारा हमने जो भी चेंजेस किया है, ट्रांजेक्शन के द्वारा हमने जो भी बदलाव किया है वो बदलाव परमानेंटली हो जाएगा हमारे डाटाबेस में। अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हमारे डाटाबेस में कुछ भी चेंजेस या फिर कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। ओके, समझ आ गया कि अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है, अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो उस ट्रांजेक्शन के द्वारा हमने जो भी चेंजेस किया है वो चेंजेस परमानेंटली हमारे डाटाबेस में दिखाई देगा। अगर हमारा ट्रांजेक्शन हम जो करते हैं वो अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो उसके द्वारा जो भी बदलाव हम करते हैं वो बदलाव नहीं होता हमारे डाटाबेस में। पहले से जो था हमारे डाटाबेस में डाटा वही डाटा रह जाता है। ओके, जैसे कि हमने रोल बैक कमांड और कमिट कमांड के बारे में पढ़ा था कि सपोज अगर मैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करके कोई भी ट्रांजेक्शन को शुरू करता हूं। ओके, स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करके ट्रांजेक्शन शुरू करता हूं, वहां पे मैंने ट्रांजेक्शन किया 3। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे लगा कि मेरा ट्रांजेक्शन जितना भी मैंने किया है सारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन के द्वारा मेरे डाटाबेस में चेंजेस हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कमिट कमांड को यूज करूंगा। ओके, और अगर मुझे लगता है कि इनमें से मेरा ट्रांजेक्शन सही नहीं है, मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिस तरह के चेंजेस मैं अपने ट्रांजेक्शन में चाहता था डाटाबेस में वैसा चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कमिट की जगह पे क्या, रोल बैक। ओके, तो वही बोला है कि अगर मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है और मैं कमिट कमांड यूज करके क्या कर सकता हूँ, मेरे डाटाबेस में परमानेंटली चेंजेस कर सकता हूँ जो चेंजेस इस डाटाबेस ट्रांजेक्शन के द्वारा मैं करना चाहता था। अगर मुझे लगता है कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उस ट्रांजेक्शन को मैं कैंसिल कर सकता हूँ रोल बैक कमांड या फिर रोल बैक स्टेटमेंट को यूज करके। ओके, तो जैसे कि ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हम इतने सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, इतने सारे कमांड का एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो हर एक कमांड यूज करके हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हर एक ऑपरेशन को हम एक एक तरह के ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो समझ आ गया डेटाबेस ट्रांजेक्शन क्या है। एवरी स्मॉल यूनिट ऑफ लॉजिकल वर्क व्हाट वी परफॉर्म इन ए डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस ट्रांजेक्शन। हर कोई छोटा सा काम, हर कोई छोटा सा ऑपरेशन हम जो भी परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में उसको हम बोल सकते हैं डेटाबेस ट्रांजेक्शन। ओके, और डेटाबेस ट्रांजेक्शन का दो रूल है, अगर सक्सेसफुल होता है ट्रांजेक्शन तो परमानेंटली चेंज होगा, अगर ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो कैंसिल हो जाएगा और प्रीवियसली जो डाटा पहले से था वही डाटा ही रहेगा हमारे डाटाबेस में। ओके, तो अभी आते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन। स्टेट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन हम किसको बोलते हैं, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं वो ट्रांजेक्शन एक सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करता है। मतलब सपोज यहाँ पे 6 या 7 स्टेप्स हैं, इन 6 या 7 स्टेप्स को फॉलो करता है हर एक ट्रांजेक्शन जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, सपोज कोई ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो पहले हमें ट्रांजेक्शन को शुरू करना पड़ेगा। जो अब भी कोई ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद वहां पे आता है क्या MySQL, मतलब ये हो गया आपका बिगिनिंग स्टेट, फर्स्ट स्टेट। ओके, तो आपका ट्रांजेक्शन अभी शुरुआत के स्टेट में है,
वहां पे फिर आप क्या करोगे, कुछ भी ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूज कॉलेज। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने बिगिन स्टेट से आ गया मैं एक्टिव स्टेट में। एक्टिव स्टेट में कब आया, जब मैं यहाँ पे यूज कमांड यूज करके कॉलेज डाटाबेस को ओपन कर रहा हूँ। मतलब ये एक कमांड मैंने लिखा, इस कमांड को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये एग्जीक्यूट जब मैंने किया तो मैं आ गया एक्टिव स्टेट में। ओके, फिर आते हैं पार्शियली कमिटेड स्टेट में। मतलब एक्टिव स्टेट में तो आ गए, तो एक्टिव स्टेट में आने के बाद सपोज मैं यहाँ पे फिर स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करके उसके अंदर 3 या 4 ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। ओके, तो सारा ट्रांजेक्शन तो हो गया है, पर जब तक परमानेंटली सेव नहीं हुआ है, जब तक परमानेंटली कमिट नहीं हुआ है, तब तक वो रहता है कहाँ पे, तब तक वो रहता है पार्शियली कमिटेड स्टेट में। तो अगर वो परमानेंटली सेव होने से पहले कोई लास्ट एक ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है, या फिर हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो पार्शियली कमिटेड स्टेट से फेल्ड स्टेट में जा सकता है हमारा ट्रांजेक्शन। और अगर सक्सेसफुली हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो पार्शियली कमिटेड स्टेट से जा सकता है कमिट स्टेट में। मतलब पार्शियली कमिटेड स्टेट से हम फेल्ड स्टेट में भी जा सकते हैं, कमिट स्टेट में भी जा सकते हैं। तो अगर हम कमिट स्टेट में जाते हैं तो हमारा ट्रांजेक्शन से हमने जो भी चेंजेस किया था वो परमानेंटली सेव हो गया, तो उसके बाद वो तुरंत ही आ जाएगा एंड स्टेट में। और अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या चाहेंगे कि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे, जो ट्रांजेक्शन हमारा आधा में फेल्ड हो गया, वो ट्रांजेक्शन को हम किल कर दें, मतलब खत्म कर दें, ताकि उस ट्रांजेक्शन को हम फिर से शुरू कर सकें, मतलब रिस्टार्ट कर सकें। तो उसके लिए जो स्टेप है उस स्टेप को हम बोलते हैं क्या, उस स्टेप को हम बोलते हैं एबोर्टेड स्टेट। ओके, समझ आ गया। तो ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं एक डाटाबेस में, तो वो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है, कि फर्स्ट ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, ऐसे सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है। और उन्हीं सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उन्हीं सीरीज ऑफ स्टेप्स के बारे में, या फिर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो जैसे कि मैंने बोला कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो वेरियस स्टेट या फिर सीरीज ऑफ स्टेट्स को फॉलो करता है ट्रांजेक्शन करते वक्त। फर्स्ट बिगिन स्टेट, फिर एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट, फेल्ड स्टेट, कमिटेड स्टेट, एबोर्टेड स्टेट, एंड स्टेट। इतना स्टेट और इतना स्टेप फॉलो करता है एक ट्रांजेक्शन जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं एक डाटाबेस में। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन जब भी होता है तो इस फॉर्मेट में होता है। ओके, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, बैंक एटीएम वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप कोई बैंक में जाते हो। ओके, तो वहां पे आप जब बैंक में जाते हो तो पहले आप क्या करते होगे, पहले आप एटीएम कार्ड वहां पे इंसर्ट करते होगे, वहां पे क्या करते होगे, एटीएम कार्ड इंसर्ट करते होगे। तो एटीएम कार्ड जब इंसर्ट करोगे तो आपका ट्रांजेक्शन का प्रोसेसिंग वहां पे शुरू होगा, मतलब आप बिगिन स्टेट में हो अभी। उसके बाद वो आपको आपका एटीएम का पिन मांगेगा, वहां पे आप एटीएम का पिन इंसर्ट करोगे। तो जब आप एटीएम का पिन इंसर्ट कर दोगे तब वो चला जाएगा एक्टिव स्टेट में। तो अगर आप पिन सही इंसर्ट करते हो तो उसके बाद आप प्रोसेसिंग करोगे, आपको मनी विड्रॉ करना है, या फिर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है, क्या करना है, आप जिस तरह भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अगर आप करेक्ट पिन इंसर्ट किए हो तो। पर अगर आप गलत पिन इंसर्ट किए हो तो आप वहां से चला जाओगे, कहां चले जाओगे, आप सीधा वहां से चले जाओगे फेल्ड स्टेट में। कब, जब आप गलत पिन इंसर्ट करोगे तो वो आपको ले जाएगा फेल्ड स्टेट में। ओके, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्या बोलेगा कि आप अपना एटीएम को, मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते थे ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा और आपको बोलेगा कि आप अपने एटीएम को निकालो, और एटीएम को निकाल के अब फिर से पिन इंसर्ट करो। तो उसके बाद क्या करते हो, आपका ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है, आप अपने एटीएम को निकाल लाते हो, फिर से आप क्या करते हो, फिर से बिगिन स्टेट में आके फिर से एटीएम इंसर्ट करके फिर से पिन इंसर्ट करते हो। ओके, तो वहां पे आपने अगर फिर से सही पिन इंसर्ट किया तो आपका ट्रांजेक्शन चलेगा जिस तरह का ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हो। सपोज आपने 10,000 आपको विड्रॉ करना है, तो आपने वहां पे इंसर्ट कर दिया आपको 10,000 विड्रॉ करना है। तो अगर 10,000 विड्रॉ होने का प्रोसेसिंग चल रहा है और एटीएम मशीन आपका खराब हो गया, या फिर एटीएम मशीन में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पैसा निकलने वाला ही था, आपका ट्रांजेक्शन वहां पे रुक गया।
तो वहां से पार्सली कमिटेड स्टेट से फिर भी आप आ सकते हो फेल्ड स्टेट में, ओके, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन का प्रोसेसिंग चल रहा था सही सही, सिस्टम खराब होने की वजह से या फिर सॉफ्टवेयर खराब होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन क्या हो गया, फेल्ड हो गया, तो आप पार्सली कमिटेड स्टेट से भी फेल्ड स्टेट में आ सकते हो, ऐसा अगर कुछ दिक्कत आता है तो। अदरवाइज अगर आपका ट्रांजेक्शन सही होता है, आपके पास पैसा भी निकल के आ गया 10,000, उसके बाद आपके अकाउंट में सपोज था 50,000, 10,000 आपके हाथ में आने के बाद आपके अकाउंट में अभी हो गया 40,000, ओके, तो उसके बाद आपका जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, अगर आपके हाथ में 10,000 आ जाता है, इसका मतलब आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो चला जाएगा कमिटेड स्टेट में। कमिटेड स्टेट में क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट में वो परमानेंटली ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हो उस चेंजेस को परमानेंटली सेव कर देगा। तो ट्रांजेक्शन जब सेव कर लेगा, हमारा ट्रांजेक्शन खत्म, ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद वो एंड स्टेट में चला आएगा, फिर हमें एटीएम निकालने को बोल देगा वो, समझ आ गया, ये है रियल लाइफ एग्जांपल, ओके, समझ आ गया। तो रियल लाइफ एग्जांपल के बाद अभी हम देखते हैं एक जो कि हम डाटाबेस में किए हैं कुछ एग्जांपल्स लास्ट कुछ प्रीवियस क्लासेस में, उसको बेस करके हम अभी देखते हैं और एक एग्जांपल ये स्टेट्स को बेस करके। आई थिंक आप लोगों का आराम से समझ आ गया होगा ये एटीएम वाला एग्जांपल जो कि मैंने बताया यहाँ पे। तो अभी हम और एक एग्जांपल लेंगे कि सपोज मुझे एक ट्रांजेक्शन करना है, तो यहाँ पे मैं पहले क्या यूज करूंगा, मैं चाहता हूं कि जब मैं परमानेंटली सेव करना चाहूं तब सेव कर सकूं और जब मैं कैंसिल करना चाहूं कैंसिल कर सकूं। तो माय एसक्यूएल तो ऑटो कमिट होता है, तो इसके लिए हम पहले क्या यूज करते हैं, स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को यूज करते हैं। तो जब मैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को यूज करता हूँ, इसका मतलब क्या कि मेरा ट्रांजेक्शन का शुरुआत यहाँ से है, कि यहाँ से मैं अपना ट्रांजेक्शन शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद उसके अंदर स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड शुरू यूज किया, मतलब क्या, बिगिन स्टेट में आ गया मैं, मेरा ट्रांजेक्शन शुरू करने का टाइम आ गया, क्योंकि स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड हमें अलाउ करता है नया ट्रांजेक्शन शुरू करने के लिए। उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स, जैसे कि सपोज इंसर्ट कमांड या फिर अपडेट कमांड, ऐसे कुछ कमांड यूज करके हम क्या करते हैं, वन और मोर देन वन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब तक ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा, तो जब ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब एक्टिव स्टेट में है, और जब तक ये ट्रांजेक्शन परमानेंटली हम सेव नहीं कर लेते तब तक वो कहाँ पे होगा, तब तक वो होगा पार्शियली कमिटेड स्टेट में। मतलब स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद सपोज वहां पे मैंने 5 ट्रांजेक्शन किया, तो ये ट्रांजेक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है ये एक्टिव स्टेट में है, ये जब एग्जीक्यूट हो रहा है ये एक्टिव स्टेट में है, ये जब एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी एक्टिव स्टेट में है, ये जब एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के द्वारा ये भी एक्टिव स्टेट में है, ये जब एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी एक्टिव स्टेट में है। तो जब तक सारा का सारा ट्रांजेक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, मतलब 4 ट्रांजेक्शन खत्म हो चुका है, 5वां ट्रांजेक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तब वो कहाँ चला जाएगा, तब वो चला जाएगा पार्शियली कमिटेड स्टेट में। तो फिर जब सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम वहां पे देखेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है पार्शियली कमिटेड स्टेट में, तो हम उसको फिर क्या करेंगे, कमिट कमांड यूज करके कमिटेड कर देंगे, मतलब परमानेंटली सेव कर देंगे। और अगर हमें लगेगा कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो हम वहां पे रोल बैक कमांड यूज करके ट्रांजेक्शन को कैंसिल करके फेल्ड स्टेट में ले आएंगे, ओके। और दूसरा, फेल्ड स्टेट में कैसे आ सकता है, अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो कमिट कमांड यूज करके हमने उसको कमिट कर लिया, परमानेंटली सेव कर लिया, उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन का काम खत्म, एंड स्टेट में आ गए, खत्म। दूसरा बात कि अगर ट्रांजेक्शन में हमारा कोई एक स्टेटमेंट या फिर कोई एक ट्रांजेक्शन हमारा अनसक्सेसफुल रहा, तो रोल बैक कमांड यूज करके हम उसको फेल्ड स्टेट में ला सकते हैं। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को परमानेंटली कैंसिल करके क्या कर सकते हैं, एबॉर्टेड स्टेट का काम क्या है, कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारा फेल होता है उस ट्रांजेक्शन को वो क्या करेगा, किल करेगा, और हमें फिर से रिस्टार्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, कौन, एबॉर्टेड स्टेट। इसीलिए कोई भी ट्रांजेक्शन अगर फेल होता है तो उसको हम भेजते हैं एबॉर्टेड स्टेट में, फिर एबॉर्टेड स्टेट उसको एंड स्टेट में भेज देता है, ताकि यूजर फिर से उसी ट्रांजेक्शन को शुरू कर सके अगर फिर से शुरू करना चाहता है तो, ओके। पर एक्टिव स्टेट से हम कैसे आ सकते हैं फेल्ड स्टेट में, अगर आप अपडेट कमांड या फिर इंसर्ट कमांड यूज करके कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वहां पे आपने कुछ गलती कर लिया, अपडेट कमांड आपको लिखते जगह आपने अपडेट लिखा, ई छोड़ दिया, ओके, तो वहां पे आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते वक्त आपका ट्रांजेक्शन एरर दिखाएगा, तो आपका ट्रांजेक्शन वहां पे फेल्ड स्टेट में आ जाएगा, ओके।
तो एक्टिव स्टेट से भी आप फेल्ड स्टेट में आ सकते हो। समझ आ गया? बिगिनिंग स्टेट में आप आते हो स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करके, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड जैसे कि इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ऐसे कुछ कमांड यूज करके आप जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो तब आप एक्टिव स्टेट में हो। तो जब आप सपोज 5 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, 4 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, 5वां ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तब आप हो पार्शियली कमिटेड स्टेट में। अगर आपका सारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो आप उसको परमानेंटली अगर सेव करना चाहते हो तो कमिट कमांड यूज करके आप जा सकते हो कमिटेड स्टेट में। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन खत्म, आप एंड स्टेट में आ सकते हो। अगर पार्शियली कमिटेड स्टेट में आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते वक्त अगर लास्ट वाला ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिटेड नहीं हुआ, मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वहां पे आप चाहते हो कि आप ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दो, तो वहां से आप आ सकते हो फेल्ड स्टेट में। फेल्ड स्टेट से वो जाएगा एक्टिव स्टेट में ताकि वो ट्रांजेक्शन को आपका पूरा खत्म कर दे, किल कर दे, और एंड स्टेट में आपको भेज दे ताकि आप अपना ट्रांजेक्शन फिर से शुरू कर सको। और एक्टिव स्टेट से भी हम फेल्ड स्टेट को जा सकते हैं। अगर आप कोई कमांड यूज कर रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सपोज आपने उस कमांड को गलत लिखा है, या फिर टेबल का नाम गलत लिखा है, या फिर डाटाबेस का नाम गलत लिखा है, तो वहां पे आपका जो ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है, या फिर वहां पे आपका ट्रांजेक्शन जो फेल होता है, तो वहां से आप आ सकते हो एक्टिव स्टेट से फेल्ड स्टेट में। समझ आ गया कि हम कैसे ट्रांजेक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स को फॉलो करके या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करते हैं जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप हमारा था बिगिन स्टेप। बिगिन स्टेट का काम क्या है कि व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज इनिशियलाइज्ड इट एंटर्स टू बिगिन स्टेट। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, जैसे कि अगर हम स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड इशू करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ट्रांजेक्शन अभी शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर हम एटीएम मशीन में जब भी हम हमारा एटीएम कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ट्रांजेक्शन शुरू करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा बिगिनिंग स्टेट। उसके बाद एटीएम कार्ड इंसर्ट करने के बाद या फिर स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड इशू करने के बाद, उसके बाद वो जो हमें पिन मांगता है एटीएम मशीन में, या फिर स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड में हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो स्टेट है हमारा एक्टिव स्टेट। आफ्टर स्टार्टिंग ए ट्रांजेक्शन, जबकि हम स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करके एक ट्रांजेक्शन हमने शुरू कर लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्टिव स्टेट में, जहां पे हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, या फिर एटीएम मशीन में अगर बोले तो एटीएम मशीन में वो हमें जो पिन मांगता है, हम जो पिन इंसर्ट करते हैं, तो वो हमें पिन इंसर्ट करने के बाद बैंक के साथ कनेक्ट कर लेता है, तो वो है हमारा एक्टिव स्टेट। तो यहाँ पे हमने एटीएम मशीन में क्या किया, एटीएम मशीन में हमारा एटीएम कार्ड इंसर्ट किया तो बिगिनिंग स्टेट हो गया। उसके बाद हमें पिन मांगता है तो हम एटीएम पिन इंसर्ट करते हैं तो हम एक्टिव स्टेट में आ गए। उसके बाद वो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके बाद अगर हम गलत पिन इंसर्ट करते हैं तो एक्टिव स्टेट से फेल्ड स्टेट को आ सकते हैं। उसके बाद वो हमारे ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा या फिर किल कर देगा और हमें एंड स्टेट में भेज देगा और फिर से हमें ट्रांजेक्शन शुरू करने को बोलेगा। ओके, फिर से हमें एटीएम कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर से पिन देना पड़ेगा, फिर अगर हमारा पिन सही होता है तो उसके बाद वो हमें अलाउ करेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे एक्टिव स्टेट में, तो उसके बाद पार्शियली कमिटेड स्टेट आता है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सपोज आप अपने बैंक में मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 10,000 आपको विड्रॉ करना है, तो आपका ट्रांजेक्शन सही चल रहा है, बस पैसा निकलने ही वाला है, तो उससे प्रीवियस वाला जो स्टेट होता है, जिस वक्त आपको पैसा निकलना है उससे थोड़ा प्रीवियस वाला जो स्टेट है, फाइनल ऑपरेशन जब परफॉर्म होता रहता है, मतलब जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते रहते हैं, तो जब आपका फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और फाइनल ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा है, तब आप किस स्टेट में हो? पार्शियली कमिटेड स्टेट में हो। मतलब जैसे कि बैंक एटीएम में आपने एटीएम मशीन में आपने क्या किया है, 10,000 विड्रॉ करने का आपने सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, बस पैसा निकलने ही वाला है, जो लास्ट स्टेट आपका है, मतलब लास्ट स्टेप जो है आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का, तो तब आप जिस स्टेट में होते हो उस स्टेट को हम बोलते हैं पार्शियली कमिटेड स्टेट। ओके, वही लिखा है, व्हेन अ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट्स इट्स फाइनल ऑपरेशन बट इट इज नॉट कंप्लीटेड येट। जब आपका फाइनल ऑपरेशन चल रहा है पर आपने तब तक कंप्लीट नहीं किया है वो ट्रांजेक्शन को, ओके, तो वहां पे आप होते हो जिस स्टेट में, उस स्टेट को बोलते हैं पार्शियली कमिटेड स्टेट। तो पार्शियली कमिटेड स्टेट में क्या होता है, अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो जाता है, मतलब अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब हमारा ट्रांजेक्शन, मतलब हमारा 10,000 जो विड्रॉ होना था वो 10,000 अगर सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया, मतलब हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद वो चला जाता है किस स्टेट में, उसके बाद वो चला जाता है, अगर हमारा ट्रांजेक्शन, मेरे अकाउंट में 50,000 था,
मेरा ट्रांजेक्शन चल रहा था एक्टिव स्टेट में, मैंने अपना ट्रांजेक्शन शुरू किया था, तो बस आखिर स्टेट में है, 10,000 अभी विड्रॉ होने ही वाला है, तब तक हम पार्शियली कमिटेड स्टेट में है। तो जब मेरा ट्रांजेक्शन पार्शियली कमिटेड में स्टेट में सक्सेसफुल होता है, 10,000 मेरा विड्रॉ होके आ जाता है, तब मैं चाहूंगा कि मेरे ट्रांजेक्शन को मैं सक्सेसफुली क्या कर लूँ, सेव कर लूँ। जबकि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है तो मैं उसको परमानेंटली मेरे डाटाबेस में चेंज कर लूँ, तो उसके बाद वो चला जाएगा कमिटेड स्टेट में, जो कि कमिट कमांड यूज करके क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को परमानेंटली चेंज कर देगा, मतलब ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है उसको परमानेंटली सेव कर देगा, उसके बाद एंड स्टेट में आ जाएगा। पर अगर हमारा पार्शियली कमिटेड स्टेट में ट्रांजेक्शन अगर अनसक्सेसफुल होता है तो वो कहाँ पे जाएगा, फेल्ड स्टेट में जाएगा। अगर आप मनी विड्रॉ करते वक्त आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ होके आता ही नहीं है, चाहे वो एटीएम में पैसा नहीं होगा, या फिर आपका एटीएम मशीन खराब हो सकता है, या फिर एटीएम मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे सॉफ्टवेयर अगर खराब हो गया जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ पाया, तो वहाँ पे आप पार्शियली कमिटेड स्टेट से कहाँ पे आ जाओगे, फेल्ड स्टेट में आ जाओगे, जिसकी वजह से आपका जो 10,000 विड्रॉ होने वाला था नहीं हो पाया, पर आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट चुका है। तो वहां पे एबोर्टेड स्टेट आने से क्या होगा कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा था, जो भी ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल है, उसको वो कैंसिल कर देगा, इसके वजह से आपके बैंक अकाउंट से 10,000 जो कटा था वो 10,000 रिटर्न आ जाएगा, और फिर आपके ट्रांजेक्शन को वो एंड स्टेट में लेके कैंसिल कर देगा, और फिर आपको अलाउ करेगा कि अगर आप फिर से ट्रांजेक्शन शुरू करना चाहते हो तो आप फिर से ट्रांजेक्शन शुरू कर सकते हो। ओके, तो पार्शियली कमिटेड स्टेट से अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हम कमिटेड स्टेट में जाते हैं, अगर हमारा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो हम फेल्ड स्टेट में आते हैं। ओके, फिर आते हैं फेल्ड स्टेट में। जब हमारा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है पार्शियली कमिटेड स्टेट में, तब हम जाते हैं फेल्ड स्टेट को। ओके, और हम और किस स्टेट से हम फेल्ड स्टेट में आ सकते हैं, अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं और ट्रांजेक्शन में एक्टिव स्टेट से भी हम आ सकते हैं फेल्ड स्टेट में। जैसे कि सपोज आपको पिन इंसर्ट करने को बोलता है, अगर आप गलत पिन इंसर्ट कर देते हो तो वह आपको फेल्ड स्टेट में ले आएगा, और आपको वो फिर से आपका एटीएम इंसर्ट करने का बोलेगा आपको एटीएम निकाल के। तो वही बोला है कि ट्रांजेक्शन इन एक्टिव स्टेट में ऑल्सो एंटर टू फेल्ड स्टेट। अगर आप एक्टिव स्टेट में हो ट्रांजेक्शन में, तो एक्टिव स्टेट से भी आप फेल्ड स्टेट में जा सकते हो। ओके, जिसके बाद वो आपको मतलब अगर आप गलत पिन इंसर्ट करते हो तो वो आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए आगे अलाउ करेगा क्या, नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप फेल्ड स्टेट में चले जाते हो। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और फेल स्टेट में चले जाते हैं, चाहे वो सिस्टम क्राइसिस की वजह से हो, सिस्टम खराब होने की वजह से हो, या फिर सॉफ्टवेयर खराब होने की वजह से हो, या फिर हमारे कुछ गलतियों की वजह से हो, तो अगर हमारा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है या फिर फेल स्टेट में चला जाता है, तो वहां पे कुछ रिकवरी मैकेनिज्म यूज किया जाता है। सपोज आप बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 50,000 आपके बैंक अकाउंट में है, 10,000 आप विड्रॉ करना चाहते हो, बस विड्रॉ होने ही वाला था, वहां पे आपका मशीन खराब हो गया, तो आपके अकाउंट से तो पैसा कट चुका है, पर आपके पास पैसा नहीं आया, तो वहां पे हमें कुछ रिकवरी मैकेनिज्म चाहिए ताकि वो हमारा जो ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल हुआ है उसको रिकवर कर सके। तो वहां पे रिकवरी मैकेनिज्म हम यूज करते हैं फेल्ड स्टेट में, ताकि वो हमारे ट्रांजेक्शन को रिकवर कर सके, अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन को, ताकि हमें कुछ दिक्कत ना आए। ओके, तो यहाँ पे फेल्ड स्टेट में रिकवरी मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है हमें, जो भी ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है डाटाबेस में उसको रिकवर करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिकवरी मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड रिकवरी, बैकवर्ड रिकवरी, ऐसे और भी कुछ रिकवरी मैकेनिज्म्स हैं जिसको यूज किया जाता है अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन को फेल्ड स्टेट से रिकवर करने के लिए। ओके, तो उसके बाद आते हैं कमिटेड स्टेट। पार्शियली कमिटेड स्टेट से हम तो फेल्ड स्टेट में जाते हैं अगर हमारा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो, पर अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हम जाते हैं कहाँ पे, हम जाते हैं कमिटेड स्टेट में। तो वही लिखा है कि जब हमारा ट्रांजेक्शन पार्शियली कमिटेड स्टेट में सक्सेसफुल होता है तो हम जाते हैं कमिटेड स्टेट में। तो कमिटेड स्टेट में अगर हम कुछ ट्रांजेक्शन, मतलब अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है और अगर हम कमिटेड स्टेट में जाते हैं, मतलब उस ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है उस ट्रांजेक्शन को हम परमानेंटली सेव करना चाहते हैं। उस ट्रांजेक्शन में जो भी चेंजेस हुआ है, उस ट्रांजेक्शन को हम परमानेंटली क्या करना चाहते हैं, उस ट्रांजेक्शन को हम परमानेंटली सेव करना चाहते हैं। वही लिखा है कि कमिटेड ट्रांजेक्शन चेंजेस डाटाबेस परमानेंटली। कमिटेड स्टेट में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब डाटाबेस ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है उसको वो परमानेंटली सेव कर लेता है। और अगर एक बार हमने ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव कर लिया, मतलब अगर कमिट कर लिया, तो उसमें और कुछ बदलाव नहीं कर सकते। कि सपोज मैंने 50,000 मेरे अकाउंट में था, 10,000 मैंने विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद मेरा ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, ट्रांजेक्शन में जो भी चेंजेस हुआ है परमानेंटली सेव हो गया है और मेरे अकाउंट में हो गया है 40,000। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता।
कि भाई मेरा 10,000 रिटर्न ले जाओ वहीं पे और मेरा अकाउंट में बैलेंस 50,000 कर दे, ऐसा नहीं होगा। फिर से हमें और एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके क्या करना पड़ेगा, 10,000 को फिर से हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा हमारे बैंक अकाउंट में। ओके, पर कोई ट्रांजेक्शन अगर एक बार कमिट हो जाता है, परमानेंटली सेव हो जाता है, तो उसको हम और रोल बैक या फिर चेंजेस या फिर कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ से हमने तो बिगिन स्टेट से एक्टिव स्टेट में गया, एक्टिव स्टेट से हम पार्शियली कमिटेड स्टेट भी गए, पार्शियली कमिटेड स्टेट से फेल्ड स्टेट, एक्टिव स्टेट से भी हम फेल्ड स्टेट में गए, और सक्सेसफुल अगर होता है तो पार्शियली कमिटेड स्टेट से हम कमिटेड स्टेट भी गए। तो अभी आएंगे कि अगर हम फेल्ड स्टेट में जाते हैं तो फेल्ड स्टेट से एबोर्टेड स्टेट हम क्यों जाते हैं। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो फेल्ड स्टेट में अगर जाते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को किल करने के लिए या फिर उस ट्रांजेक्शन को पूरा खत्म करके फिर से शुरू करने के लिए हम जाते हैं ट्रांजेक्शन का फेल्ड स्टेट से एबोर्टेड स्टेट को। अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन अराइज होता है ट्रांजेक्शन होते वक्त, मतलब मशीन में कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर ट्रांजेक्शन होते वक्त पैसा नहीं निकलता, ऐसे कुछ एबनॉर्मल कंडीशन अगर अराइज होता है ट्रांजेक्शन करते वक्त, तो वहां पे हम एंटर करते हैं एबोर्टेड स्टेट को। कहां से? फेल्ड स्टेट से। तो कोई भी अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन वो जाता है एबोर्टेड स्टेट से एंड स्टेट में। मतलब सपोज आपका कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है तो वहां पे आप डायरेक्टली एंड स्टेट में नहीं जा सकते, फेल्ड स्टेट से आपको पहले जाना पड़ेगा एबोर्टेड स्टेट में, क्योंकि एबोर्टेड स्टेट क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन को किल कर देगा, जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे थे उस ट्रांजेक्शन को खत्म करेगा, उस ट्रांजेक्शन से कोई भी अगर चेंजेस हुआ है हमारे डाटाबेस में उसको रिकवर करेगा कौन, एबोर्टेड स्टेट में। तो एबोर्टेड स्टेट में उसको रिकवर करने के बाद जाके वो ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, एंड करेगा। तो इसीलिए बोला है कोई भी अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन अगर फेल्ड स्टेट में है तो वो एबोर्टेड स्टेट देके एंड स्टेट के पास जाता है। ओके, टू रिकवर ए डेटाबेस फ्रॉम एबोर्टेड स्टेट वी मस्ट किल द ट्रांजेक्शन और रिस्टार्ट द ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारा फेल हुआ है तो उसको अगर उस ट्रांजेक्शन से अगर हमारा कुछ डाटा लॉस हुआ है तो उसको अगर हम रिकवर करना चाहते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एबोर्टेड स्टेट में। तो एबोर्टेड स्टेट क्या करता है, या तो ट्रांजेक्शन को किल करता है, खत्म कर देता है, या तो हमें फिर से स्टार्ट करने की परमिशन प्रोवाइड करता है, कौन, एबोर्टेड स्टेट। पर ये परमिशन प्रोवाइड कब करेगा, पहले ये हमें ट्रांजेक्शन को खत्म करने की कोशिश देगा। मतलब अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो एबोर्टेड स्टेट क्या करेगा, आपको एंड स्टेट में भेज देगा आपके ट्रांजेक्शन को खत्म करके। और अगर आप फिर से अपने ट्रांजेक्शन को शुरू करना चाहते हो तो आप शुरू से बिगिनिंग स्टेट से फिर से आप अपने ट्रांजेक्शन को रिस्टार्ट कर सकते हो, मतलब फिर से शुरू कर सकते हो। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, एबोर्टेड स्टेट। ओके, तो उसके बाद आते हैं एंड स्टेट। आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो या फिर सक्सेसफुल ना हो, अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है तो आप कौन से स्टेट में होगे, कमिटेड स्टेट में। अगर आपका ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल है तो आप कौन से स्टेट में होगे, एबोर्टेड स्टेट में। तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो तो भी आप एंड स्टेट में आओगे, ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल हो तो भी आप एंड स्टेट में आओगे। ओके, तो वही बोला है कि ट्रांजेक्शन एंटर्स टू एंड स्टेट आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली। आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो या फिर अनसक्सेसफुली कंप्लीट हो, आप एंड स्टेट में आते ही हो। ओके, तो एंड स्टेट का काम क्या है, एंड स्टेट का काम है कि अगर हमारा एटीएम मशीन में हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, हमारा ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद वो हमें हमारा एटीएम कार्ड को विड्रॉ करने के लिए बोलता है। ओके नहीं, तो वैसे ही अगर हमारा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है, पैसा नहीं निकलता, तो वहां पे अगर हमारा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है फिर भी हमें वो हमारा एटीएम कार्ड को विड्रॉ करने के लिए बोलता है, निकाल के लेने के लिए बोलता है। तो आपका ट्रांजेक्शन वहां पे सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, वो क्या करता है, एटीएम मशीन से आपके एटीएम को निकालने के लिए वो आपको बोल देता है। इसका मतलब क्या कि एंड स्टेट ट्रांजेक्शन क्या करता है कि डिस्कनेक्ट करता है क्लाइंट को सर्वर से, मतलब एटीएम मशीन से एटीएम यूजर का एटीएम कार्ड को विड्रॉ कर लेता है या फिर डिस्कनेक्ट कर लेता है, कौन, एंड स्टेट। ओके, तो अगर आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है कंप्लीट तो वो आपको एटीएम कार्ड निकालने के लिए बोलता है, मतलब एटीएम मशीन से आपके एटीएम कार्ड को वो फ्री कर लेता है, डिस्कनेक्ट कर लेता है, आप अपने एटीएम कार्ड को ले जाओ अभी। अगर आपका ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है, आप फिर से ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, तो वो आपके ट्रांजेक्शन को, मतलब आपका जो एटीएम कार्ड है उसको वो डिस्कनेक्ट कर लेता है और आपके एटीएम कार्ड को फिर से इंसर्ट करने की फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड करता है। मतलब एंड स्टेट का काम है कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, वो आपका जो एटीएम कार्ड है एटीएम मशीन से वो उसको डिस्कनेक्ट कर लेता है ताकि आप अपने एटीएम कार्ड को निकाल के ले सको। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में, डाटाबेस ट्रांजेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने एटीएम का एग्जांपल लेके भी बताया,
और हम जो प्रैक्टिस करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स, डेटाबेस ट्रांजेक्शन का स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड, कमिट कमांड, रोल बैक कमांड, उसको लेके भी मैंने बताया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।